राजीव शेटली साहब, क्योंकि ये पूरा मामला एक पॉलिटिकल शख्स से जुड़ा हुआ है, रूलिंग पार्टी के मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम देख रहे हैं कि नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। खालिद अब्दुल्ला साहब सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से राहुल सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तो अंदरूनी भिड़ंत है टीएमसी की, जिसका यह नतीजा है पेट्रोल बम से अटैक टीएमसी के लोगों ने ही करा दिया, ये क्यों? समीर भाई, आपने कभी देखा हमारे जब सैकड़ों कार्यकर्ताओं का कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, किसी को पेड़ से टांग दिया गया, किसी के हाथ काट दिए गए, किसी का इल्जाम, जिनको मारा गया उनका इल्जाम दीदी ने किसके ऊपर लगाया? ममता सरकार में एक कल्चर बन चुका है कि जब भी हमारे कार्यकर्ता मरेंगे तो उसका इल्जाम उनके अपने परिवार वालों के ऊपर लगा दो, उनके भाई पर लगा दो, उनके चाचा पर लगा दो, और ये कह दो कि ये आपस में इनका झगड़ा था, इन वजहों से उनकी हत्या हो गई है। आज मैं देख रहा था कि बड़ा दुखद घटना है ये कि उनके मंत्री के ऊपर बॉम्ब से अटैक हुआ, लेकिन कौन से चाचा, कौन से भाई ने करवाया, कौन सी दीदी ने करवाया, दीदी के कौन से मंत्री ने करवाया, दीदी के कौन से भतीजे ने करवाया, अब ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि ममता दीदी अपने गढ़ में किसी को भी राजनीतिक तौर पर पनपने नहीं देना चाहती। हमारे कार्यकर्ताओं की तो हत्या करवाई आपने, वो तो प्रूव हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पत्थर मरवाया आपने, हमारे महामंत्रियों के ऊपर पत्थर मरवाया आपने, उनकी रैलियों के ऊपर आपने जो आक्रमण करवाया, क्या वो किसी से छुपा है? सबने देखा कैसा नजारा था वहां पर। अब दीदी इस स्तर पर आ चुकी है कि अपने ही लोगों को के खिलाफ वो इस तरीके के एक्शन ले रही हैं। बस केवल एक स्टेटमेंट की हमें गुरेज था कि एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, वो स्टेटमेंट शायद उनके चाचा पर इल्जाम लगे, उसके भाई पर इल्जाम लगे जो मंत्री हैं, लेकिन इन्होंने पहली बार इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर लगा दिया। आज ये चाचा और भाई पर इल्जाम नहीं लगा पाई, और यही हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जो मारे गए, जो शहीद हुए, उनका इल्जाम हमारे कार्यकर्ताओं के पर। राजीव जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जाकिर हुसैन जो कि ममता सरकार में मंत्री हैं, उनके ऊपर पेट्रोल बम से अटैक होता है, वो टीएमसी नहीं करा दिया, ये कहने की कोशिश है आपकी? नहीं, अभी तो मैं टीएमसी कह ही नहीं रहा। अभी तक जितनी स्टेटमेंट टीएमसी की आई है किसी भी हत्या को लेकर, मैंने आपको बोला कि उनके भाई, उनके परिजनों पर उसके इल्जाम लगाए गए हैं, उनके परिवार वालों पर उसके इल्जाम लगाए गए हैं। तो ये पहली ऐसी घटना हुई है जब ये अटैक हुआ है, तो हम ये देखना चाहते थे कि आज ये जाकिर हुसैन के कौन से रिश्तेदार पर इल्जाम लगाएंगी, लेकिन इन्हें कोई चारा नजर नहीं आ रहा, तो आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा दिया। आपकी सरकार के अंदर जहां पुलिस आपकी पपेट बन के बैठी है, पुलिस आपके कार्यकर्ता के रूप में काम करती है, पुलिस को हिदायत दी जाती है, कोई राष्ट्रीय बड़े से बड़ा नेता आ जाए उसको आपने सुरक्षा नहीं देनी है, तो जब ऐसी हिदायत खुलेआम पुलिस को दी जाएगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं? ऐसे प्रदेश के अंदर ममता दीदी अपना गढ़ बचाने के लिए ये छोटे हथकंडे नहीं अपना सकती है, लेकिन ये केवल इतना देखना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।